शासन के निर्देश पर जनपद में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जनपद में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे घटना की सूचना मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया जा सके। जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आपदा के दौरान किसी भी बचाव कार्य की आवश्यकता है तो इसके तहत इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम क्रियाशील रहता है। उन्होंने बताया कि आग लगने, भवन गिरने तथा बाढ़ में नाव पलटने आदि घटनाओं की सूचना सबसे पहले आपातकालीन नंबर 112 व तहसील के राजस्व कर्मचारियों को मिलती है। वर्तमान में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए IRS को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि IRS को लागू करने का उद्देश्य है कि आपदा के दौरान जो भी कार्रवाई किया जाए उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो और सभी लोग अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर लागू कर सके, इसलिए जनपद में IRS को लागू किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, जनपद में शासन द्वारा शासन के निर्देशानुसार जारी अधिसूचना के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया गया है, जिसमें इंसिडेंट कमांडर के रूप में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सर इसका नेतृत्व करते हैं और इनके साथ इनके अलग अलग जो हमारी जो टीमें होती हैं, इसमें अगर किसी भी आपदा के दौरान किसी भी प्रकार की तुरंत राहत और बचाव कार्य की आवश्यकता है तो इसके तहत ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम क्रियाशील रहता है। जैसे अभी वर्तमान समय में जनपद में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके दृष्टिगत IRS को लागू कर दिया गया है और IRS में जो हमारे ऑपरेशन चीफ होते हैं वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सर होते हैं, उनके नेतृत्व में जो भी ऑपरेशन रिलीफ का चलाया जाता है वो सर के नेतृत्व में संबंधित जो रिस्पॉन्स एजेंसीज होती हैं NDRF या SDRF या जो भी हमारी टीमें रहती हैं वो रिस्पॉन्स कार्य करती हैं। प्लानिंग का जो सेक्शन होता है वो ADM फाइनेंस सर के ही उसमें नेतृत्व में रहता है, ताकि जहां पर भी किसी भी प्रकार की संसाधनों की आवश्यकता है या किस प्रकार कार्य को संपादित किया जाए ताकि त्वरित निर्णय की कार्रवाई उस पर सुनिश्चित की जा सके और जो उसमें प्रभारी के रूप में जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी सर लोग होते हैं तो वे लोग इसको सर के नेतृत्व में अपना सारी कार्यवाहियों को संपादित करते हैं। लॉजिस्टिक के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो अर्बन एरिया में नगरायु सर और जो हमारा रूरल बेल्ट होता है उसमें मुख्य विकास अधिकारी सर इसके चीफ होते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई संसाधन की आवश्यकताएं हमें जैसे गाड़ियां या किसी प्रकार की अन्य चीज़ों को लेकर के तो उसके लिए संबंधित उनके नेतृत्व में पूरी कार्य किए जाते हैं। तो IRS का लागू करने का सिर्फ जो शासन का जो मंशा वो यही है कि जो भी आपदा के दौरान कार्रवाई की जाए उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और सभी लोग अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर लागू कर सकें, इसलिए IRS को जनपद में लागू किया गया है। और अभी बाढ़ की सिचुएशन बन रही है, राप्ती नदी में पानी बढ़ रहा है तो उसके दृष्टिगत भी IRS लागू है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी लागू है तो उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां हैं वो सभी कार्रवाइयां सुनिश्चित की जाएंगी।